सभी व्यक्ति इन विषयों को समझ लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर वर्ग के व्यक्ति के लिए ये विषय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके जीवन को ये प्रभावित करते हैं, हर स्तर पर प्रभावित करते हैं। आज से पहले भी मैंने इन विषयों पर चर्चा की है कि किस प्रकार से हमारे शरीर की प्रवृत्ति, प्रकृति और हमारे शरीर में होने वाले बदलाव हमारे मन को भी प्रभावित करते हैं, जिससे कि हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया, हमारे प्रत्येक विचार, हमारी प्रत्येक अभिव्यक्ति प्रभावित होती है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे शरीर में सिक्रीट होने वाले हार्मोन किस तरह से हमारे विचारों को, व्यवहारों को, जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम इन्हें नहीं समझेंगे, इनको संतुलित नहीं रखेंगे, तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आज जिस हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है डोपामिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे उत्साह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे लिए कुछ जीवन में आगे बढ़ने, कुछ करने के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, जो हम आनंद की अनुभूति करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ये बैलेंस में नहीं रहेगा, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी गलत है, अगर ये बहुत ज़्यादा घट जाएगा तो भी गलत है। तो इसको एक बैलेंस में रखना, एक समस्थिति में रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपको पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि मैं कुछ छोटे छोटे से उदाहरण आपको देता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक विद्यार्थी है, बड़ा मेधावी है, अपने पढ़ने में वो बहुत रुचि रखता है, अच्छे से पढ़ता है या अपना कोई दूसरा कार्य भी करता है, पूर्ण मनोयोग के साथ वो अपना कार्य करता है, लेकिन वो फिर किसी चीज़ की आदत में पड़ जाता है, उस चीज़ को करने में उसे आनंद आता है और एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, वो उस चीज़ को करता जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वेब सीरीज आजकल बड़े प्रचलन में है, आपने कोई वेब सीरीज देखना शुरू किया, आपने पहली देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, तो उसको देखने से क्या हुआ कि आपका डोपामिन का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो वो बढ़ेगा और आपको अच्छा लगेगा। अब आपने वो चीजें करी, उसको करने के बाद आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना काम करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी चीज जो आपको करनी जरूरी है आपके जीवन में, अब आपका उस कार्य को करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो चीज आप उससे पहले कर रहे थे, यानी कि कोई वेब सीरीज देख रहे थे, या फिर आजकल बहुत सारी अश्लील फिल्में, और मेरे बंधुओं के, नवयुवकों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि हम एडिक्ट हो चुके हैं इन चीजों के, तो उन सब चीजों को देखने से क्या हो रहा है कि डोपामिन का लेवल पहले बढ़ रहा है, और बढ़ने के बाद जब आप दूसरी चीजें करते हैं, अपने व्यवहार, अपनी पढ़ाई या दूसरे अपने काम, तो वो डोपामिन का लेवल आपके काम करने या पढ़ने से उस लेवल तक नहीं पहुंचता है जिस लेवल तक वो उस फिल्म को देखने में, किसी चित्र साहित्य को पढ़ने में पहुंच गया, जो कि आपके लिए हानिकारक था। अब क्या होगा उससे, आपको आपके जो सामान्य कार्य हैं उनमें रुचि नहीं रहेगी, आपका उनको करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ जो आप चाहता है आपका शरीर, अब वहाँ तक उसकी लिमिट सेट हो गई है, वो नहीं मिल रहा है, तो आपको अब उन कार्यों को करने में इच्छा आपकी नहीं रहेगी। इसीलिए बहुत बार देखा जाता है कि बहुत मेधावी, अच्छे से पढ़ने वाले विद्यार्थी भी जब किसी गलत आदत में पड़ जाते हैं, पहले उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि छोटी सी ही तो बात है, लेकिन वो छोटी सी ही बात, बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना या बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ को निरंतर निरंतर करते रहना कितनी विध्वंसकारी हो सकती है, इस तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। कितने लोग मुझे मिलते हैं जो कि इतना फ़ोन प्रयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया कि उनकी गर्दन का जो एक पोस्चर है वो भी बिगड़ गया, वो आगे की तरफ झुक गई, उनकी स्पाइन में अब बहुत सारी समस्याएं आ रही। इस तरीके की समस्याएं क्यों बन रही हैं, क्योंकि अब उस चीज के वो एडिक्ट हो गए। तो एडिक्ट हो जाना किसी चीज का ये बड़ी समस्या है। किसी चीज़ को करना आपको थोड़ी मात्रा में आपको वो अच्छा लगता है, कोई आप फिल्म देख रहे हैं, कोई ठीक चीज़ देख रहे हैं, अच्छी चीज़ देख रहे हैं जो संस्कारों पर भी बुरा प्रभाव नहीं डाल रही है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक सीमा तक वो भी एक उस स्तर पर नहीं पहुंच जाना है कि आदी हो जाए उसके। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे कि आपने कोई मिष्ठान खाया, कोई मिठाई खाई, मिल्क शेक पिया, या कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत दिन से प्रिजर्व करके रखी हुई थी, जिसमें कि केवल स्वाद के ऊपर ही केंद्र बना करके स्वाद को उसको बनाया गया था, उसमें स्वास्थ्य के लिए कोई ध्यान नहीं रखा गया था, लेकिन जैसे ही आप उसे पहली बार खाते हैं, दूसरी तीसरी बार, तो फिर से जो डोपामिन का लेवल है, जो उसे खाने में, उसे ग्रहण करने में जो बढ़ गया है, फिर जब आप अपने घर पर जाकर के सात्विक भोजन खाते हैं तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम उसी चीज को निरंतर 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 ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर और दूसरी चीजें खाने के आदी हैं, बहुत स्पाइसी खाने के आदी हो गए हैं, उनको सादा भोजन अच्छा नहीं लगता है। हालांकि
सात्विक स्वाद वही है, और अगर वो निरंतर उसी भोजन को कुछ समय तक ग्रहण करेंगे तो उनका शरीर फिर धीरे 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 उन सब जंक फूड और फास्ट फूड की डिमांड करना बंद कर देगा, क्योंकि अब उन्होंने अपने शरीर की आदत को बदल दिया है। तो ऐसे समझें कि किसी भी गलत चीज को छोड़ करके सही चीज में अपने आप को लगाने के लिए, अपने शरीर के इन हार्मोन लेवल्स को बैलेंस रखने के लिए आपको कुछ समय तक किसी भी कार्य को प्रयासपूर्वक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं, बढ़ी हुई जो स्थितियां होती हैं हार्मोन्स की, वो बैलेंस आ जाती हैं, लेकिन उनमें कुछ समय लगता है, उसके लिए आपको निरंतर थोड़े समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। तो अपने आप को सात्विकता में लेकर के आना पड़ेगा। पढ़ाई करने का मन नहीं है तो भी अपने आप को उस चीज के महत्व को बताते हुए कि ये मेरे लिए जरूरी है, उस चीज को कुछ समय तक करना होगा, फिर जो वो डोपामिन का लेवल पहले बढ़ा हुआ था गलत चीजें करने में, अब वो अच्छी चीजों के को करने में भी जिस लेवल पे डोपामिन जाएगा वो आपको संतुष्ट करने वाला हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि ये हार्मोन हमारे जीवन में उत्साह लेकर के आते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी खुशी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इस हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो बहुत कम हो जाए तो आपको कोई कितनी भी अच्छी चीज दे दे, खाने के लिए दे दे, पहनने के लिए दे दे, आपको कोई भी आपका सपना पूरा हो जाए, आप उसमें कोई अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो लेवल है डोपामिन का अब वो बहुत कम हो गया है। ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है। अब इसको बैलेंस रखने के लिए बस जो मैंने आपको कहा, अच्छी चीजों में रुचि, पढ़ाई में ध्यान और अपने सात्विक आहार को ग्रहण करना, जंक फूड फास्ट फूड आदि को छोड़ना, मीठा आप जितना ज्यादा खाएंगे, शुगर जितना आप लेंगे, आप गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, लेकिन जो सफ़ेद आप चीनी या दूसरी चीज़ें लेते हैं वो ठीक नहीं है, उनको छोड़ना, क्योंकि वो भी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पे और जो एक साइनेप्स जो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है उसे वहाँ पर भी दुष्प्रभाव डालते हैं, जिससे कि हमारी स्मृति भी ठीक प्रकार से विकसित नहीं हो पाती। तो ये छोटा सा संदेश था मेरा, क्योंकि अभी विद्यार्थियों का भी पढ़ाई का समय चल रहा है, वो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे नज़रअंदाज करते हैं कि इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनसे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जो लोग सात्विक जीवन शैली रखते हैं, जो लोग ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं, वो लोग बड़े ही आसानी से चीज़ों को कर लेते हैं, बहुत सारे कामों को एक साथ वो अपने जीवन में लेकर के चल सकते हैं। कारण उसका यही है कि उन्होंने अब अपने आप को सही संतुलन में रख लिया, हार्मोन्स भी अब उनके संतुलन में है, शरीर उनका बिल्कुल सक्रिय है, सचेत है, और दिमागी स्तर पे भी वो शांत हैं। तो ये छोटा सा संदेश है, इसको समझें और अपने आप को किसी चीज़ का आदि न बनने दें, हर चीज़ को एक सीमा में रखें और अच्छी चीज़ों में अपनी रुचि को बढ़ाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अन्य बंधुओं तक भी पहुँचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी के लिए प्रेम प्रार्थना मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।